सब करके खुद को छिपाया। ओम शांति। तो आज की मुरली बिल्कुल 18 जनवरी के अनुकूल है। बाबा ने त्याग की काफ़ी गहराइयां हमें बताई हैं, तो आज की मुरली को हम शुरू करते हैं शिखा बहन के साथ। शिखा बहन। हाँ जी, सॉरी। ओम शांति। आप शेयर करेंगे, मैं हमने उसे लैपटॉप से ले लिया। ओके, मीनवाइल आई एम शेयर यू। हाँ जी, तो आज की मुरली की हमारी डेट है 3 अप्रैल 1982, एंड मुरली का टाइटल है सर्वप्रथम त्याग है देह भान का त्याग। और इसमें बाबा ने बहुत सारी बातें त्याग के बारे में बताई है, कितनी गुह्यता है, और त्याग की परिभाषा बाबा ने हमें कैसी बताई और हम कैसे समझते थे वो बाबा ने यहाँ बहुत बहुत क्लियर करके बताया है। तो बहुत ही अच्छी मुरली है, बहुत सारे राग बाबा ने बताने की कोशिश करी है, एंड हम कितना उसमें से उठा पाते हैं वो हमको देखना है। तो सबसे पहले बाबा कह रहे हैं कि त्याग सर्वप्रथम है, और उसमें भी कौन सा त्याग? देहभान का त्याग। तो आज के जैसे हमारा साकार मुरली का वरदान भी था, तो उसमें क्या था, कोई बताएगा त्याग के बारे में? वो शेयर करेगा? ओम शांति दीदी। यही था कि हमें मान अपमान को नहीं लेना है। ओके, और कोई शेयर करेगा? हाँ जी दीदी, ओम शांति। हमें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है आज की मुरली में भी, जैसे बाबा ने पहली लाइन में बताया। लेकिन मैंपन का त्याग, सूक्ष्म त्याग भी बहुत सारे हैं कि मैंने किया, मैं ही सेवा अच्छी कर सकती हूँ। वरदान में क्या था त्याग के लिए? त्याग और भाग्य, तपस्या। हाँ जी। और त्याग जैसे कि सेवाधारी जो होगा उसमें, जहाँ त्याग होगा उसकी वही तपस्या होगी। सेवाधारी तो, वो हर वक्त देने वाले होते हैं, कोई भी लेने हाँ की इच्छा नहीं होती उनको, नाम मान शान कोई इच्छा नहीं रहते। जैसे बाबा वर्ल्ड सर्वेंट है, हम बाबा के बच्चे मास्टर वर्ल्ड सर्वेंट है। थैंक यू। तो बाबा ने आज वरदान में भी बताया कि त्याग और तपस्या, हम मतलब वो सेवाधारी मतलब ही क्या जो त्यागी और तपस्वी है।
तो इसमें जब त्याग करने के लिए बाबा कह रहे हैं, तो इसमें अगर हम ऐसा सोचें कि जब हमारा पढ़ाई का समय रहता था तो हमको कहा जाता था कि या हम अभी भी अपने बच्चों को कहते हैं कि जब एग्जाम का समय आ रहा है तो दोस्तों से नहीं मिलना है या टीवी नहीं देखना है, तो ये कुछ पाने के लिए कुछ हमें हटाना है। तो वही बाबा यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें पद इतना ज्यादा ऊंचा मिलना है तो उसके लिए हमें कुछ तो छोड़ना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि बाबा आज अपने त्याग मुहूर्त बच्चों को देख रहे थे, और जैसे बाबा ने कहा कि भाग्य सबको एक जैसा मिलता है, सब बाबा के बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी नंबर वार किस बहाने से हो जाते हैं, संभालने और बढ़ाने के आधार पर। तो इसी तरह त्याग मुहूर्त तो सभी बन जाते हैं, लेकिन इसमें भी कौन हो जाते हैं, नंबर वार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, क्योंकि त्याग की परिभाषा बहुत हुई है। तो जैसे ही त्याग किया, क्योंकि हम ब्राह्मण बनेंगे तभी जब हमने कुछ ना कुछ तो त्याग किया ही होगा, जो हमारी मर्यादाएं हैं जो बाबा बताते हैं, तो ब्राह्मण बने मतलब त्याग किया, लेकिन त्याग की परिभाषा जो बाबा बता रहे हैं उसके हिसाब से नंबर बनते हैं। तो इसमें बाबा ने कहा कि कहने में तो सभी एक ही बात कहते कि क्या करा तन मन धन सब संबंध सबका त्याग कर लिया, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि तन का त्याग मतलब देह के भान का त्याग, तो ये बहुत ही सूक्ष्म है कि हमारे देह का भान ही ना रह जाए, उसका त्याग करें अगर हम, तो वो तब तन के त्याग में उसको काउंट किया जाएगा। तो त्याग का अर्थ है कि हम किसी चीज को छोड़ दें या बात को छोड़ दें, दोनों चीजें, या तो हम चीजें छोड़ दें या बात को। अगर हम बात को भी पकड़ रखा हुआ है तो भी वो त्याग नहीं है, और अपनापन उससे भी हम किनारा कर लें, तो जब अपना अधिकार समाप्त हुआ इसका मतलब हमने त्याग किया। तो बाबा अक्सर एक एग्जाम्पल देते हैं किनारा छोड़ने का, कोई शेयर करेगा कि कौन सा एग्जाम्पल बाबा देते हैं कि जब किनारा छूटता है कब छूटता है? जब जैसे जब हलवा हलवा पक तैयार हो तैयार जाता हो है, जाता है तो किनारे जब शांति हलवा दीदी हलवा तैयार हो जाता है तो कढ़ाई छोड़ देता है और हाँ घी जी, घी अलग कर देता है। तो मतलब जो चीज पूरी तरह पक जाती है तब फिर वो किनारा छोड़ देती है। तो इसी तरह हमें त्याग करना है, किनारा कर लेना है, मतलब जब हमारी वो परिपक्व अवस्था आ जाए और हम हर चीज से उपराम हो जाए तब हम उस चीज को त्याग कर सकेंगे। तो जिसके प्रति त्याग करते हैं वो वस्तु उसकी हो जाती है। तो जिस बात का त्याग किया फिर उसका संकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग की हुई बात संकल्प द्वारा, प्रतिज्ञा की हुई बात फिर से वापस नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, एक बार हमने त्याग कर दिया तो बाकी हम वापस नहीं ले सकते। इसके लिए बाबा ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो एक एक करके आप लोग एग्जाम्पल्स याद करते रहिएगा, फिर एंड में पूछेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल बाबा ने दिए है त्याग के लिए। तो पहला बाबा ने यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे हद के सन्यासी होते हैं तो वो अपने घर का संबंध का त्याग कर देते हैं, लेकिन अगर फिर वापस आ जाए, लेकिन वो आ नहीं सकते नियम के अनुसार, लेकिन अगर फिर भी वापस आ जाए तो वो क्या है, हद के फिर भी हद के सन्यासी है। हम क्या है, आप ब्राह्मण बेहद के सन्यासी व त्यागी हो। तो आप त्याग मूर्तियों ने अपने इस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर पुराने देह का भान त्याग किया, संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा फिर से कब इस में आकर्षित नहीं होंगे, रहना है लेकिन वर्ड क्या है, आकर्षित नहीं होना है इस पुराने देह के भान की ओर, कि हम आकर्षित भी नहीं हो सकते। संकल्प द्वारा भी फिर से वापस नहीं आएंगे, पहला पहला ये त्याग किया, इसलिए तो कहते हो देह सहित देह के संबंध का त्याग। बाबा वहां पर फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वापस आते तो नहीं हो, वायदा हमने क्या किया है? बाबा हमको हमारा वायदा ध्यान दिला रहे हैं कि तन भी तेरा कहा और या सिर्फ मन तेरा कहा। तो पहला शब्द तन आता है, तो जैसे तन मन धन कहते हो, देह और देह के संबंध कहते हो, तो पहला त्याग हुआ पुराने देह के भान से विस्मृति अर्थात किनारा। तो ये पहला कदम है त्याग का। तो जैसे घर में घर घर की सामग्री होती है, ऐसे ही देह रूपी घर में भिन्न भिन्न कर्मेंद्रिया ही सामग्री है। तो अब मैं ऐसे विजुअलाइज करें कि अगर एक घर है उसमें सब सामान है, तो ऐसे हमारा ये शरीर रूपी घर है उसमें सारी जो हम कोई एक चीज, घर का त्याग यानी
सर्व का त्याग, हर को छोड़ा, लेकिन अगर एक भी चीज में ममता रह गई, तो मान लो हम अगर स्थूल घर की बात करते हैं तो सब कुछ तो हमसे निकल गया, लेकिन अगर जैसे कहते हैं कि सब कुछ निकल गया लेकिन पूछ भी रह गई, या फिर किसी एक चीज में ममता रह गई, तो क्या उसको पूरा त्याग कहेंगे या त्याग कहेंगे? इसी तरह अगर कोई भी कर्मेंद्रिय, भले हमारे कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, या फिर कुछ अच्छा सुनने का मन कर रहा है, कुछ सूंघने का मन कर रहा है, अगर कोई भी एक कर्मेंद्रिया अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो क्या उसको संपूर्ण त्याग कहेंगे? चेकिंग कितनी गुहिया करनी है वो बाबा बता रहे हैं कि इस प्रकार अपनी चेकिंग करो। अभी साकार मुरली में भी डेली आ रहा है कि कैसे हमको अपना कोटा मेल चेक करते रहना है कि हमने बाबा को कितना याद किया। इसमें बाबा चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि संपूर्ण त्याग कर रहा है हमने या नहीं किया। तो इसमें अलबेले नहीं बनना है, और तो सब छोड़ दिया लेकिन कोई एक चीज, कोई एक कर्म इंद्रिय विचलित होती है तो वो भी समय पर ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं इसमें अलबेले नहीं हो कि इतना सब कुछ कर लिया है, एक हो रहा है तो क्या हो जाएगा। अगर एक भी कर्मेंद्रिय का आकर्षण है तो वो बाबा का बनने नहीं देगी और एक रस स्थिति में स्थित नहीं होने देगी। तो अगर हमारी अवस्था एक रस नहीं रह रही और हम सोच रहे हैं हमने सब त्याग कर दिया है फिर क्यों नहीं हो रहा है, तो बहुत डीप चेकिंग करनी है कि कौन सा आकर्षण है जो भी रह गया है, नंबर वन में नहीं आने जाने देगी। तो कितना बड़ा नुकसान है कि सब कुछ करने के बाद भी अगर हम थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं तो नंबर वन में नहीं जा पाएंगे। तो अगर कोई हीरे जवाहर, इसमें बाबा ने ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि अगर कोई हीरे जवाहर महल माणिया सब छोड़ दिया, मतलब जितना बड़ा बड़ा चीज जितना स्थूल दिख रहा है वो सब छोड़ दिया, लेकिन अगर कोई एक मिट्टी के फूटा हुआ बर्तन में भी मोह रह जाए, सोचो कितना, कहाँ से क्या आके अटके भी तो कहाँ अटके, तो सिर्फ एक मिट्टी के फूटे हुए बर्तन में भी अगर मोह रह जाए तो क्या होगा। तो जैसे हीरा अपनी तरफ आकर्षित करता है, वैसे हीरे से भी ज्यादा वो फूटा हुआ बर्तन अपनी तरफ बार बार आकर्षित करता रहेगा, और बुद्धि ना चाहते भी बार बार वहां भटकती रहेगी। ऐसे अगर कोई भी कर्मेंद्रिय की आकर्षण रही हुई है तो श्रेष्ठ पद पाने से बार बार नीचे ले आएगी। तो कितना नुकसान हम अपना कर रहे हैं। इसके लिए बाबा कह रहे हैं पुराने घर और पुरानी सामग्री सबका त्याग करो, और ऐसा नहीं समझो कि थोड़ा है, थोड़ा है लेकिन बहुत कुछ गंवाने वाला है, इसलिए हमें संपूर्ण त्याग चाहिए। और इस देह को क्या समझना है, बाबा ने कहा अमानत समझो और सिर्फ सेवा के अर्थ इसको कार्य में लगाना है। ये मेरी देह नहीं है लेकिन सेवा के अर्थ अमानत है। तो बाबा अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे बाप दादा ने कार्य के लिए ये तन लिया हुआ है, तो इसी तरह ये भी समझो कि हम इसमें मेहमान बन के रह रहे हैं और बाबा ने ये हमको तन बाबा का कार्य करने के लिए दिया है, तो हम क्या बन गए, मेहमान। और मेरेपन का त्याग और मेहमान समझ महान कार्य में लाओ, लगाओ इस तन को। तो मेहमान को क्या क्या स्मृति रहती है, कोई जल्दी से शेयर करना चाहेगा? मेहमान अगर है तो स्मृति क्या रहती है, उसको क्या उसके कॉन्शियसनेस में रहता है, अगर हम मेहमान की कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो? ओम शांति। जो मेहमान आता है उसको ये कॉन्शियस होता है कि मैंने अपने घर जाना है, इस तरह हमें भी अपना घर याद रहना चाहिए कि हमने अपने घर जाना है। ओके, घर याद रहता है। और ओम शांति दीदी, वो किसी से उलझेगा नहीं कि मुझे क्या लेना, मैंने थोड़े दिन रहना, मैं अपना काम करूं और चलता बनूं, विस्तार में नहीं जाएगा। ओके, और हाँ जी, हाँ जी, देवश्री बहन आप बताएंगे। मेहमान सदा हर चीज को ध्यान से यूज करते हैं, जैसे कोई कोई वस्तु टच करते हैं तो ये मेरा नहीं है, मेरा घर का नहीं है, तो ऐसे ही हर कर्मेंद्रिय को इनकी मेहमान समझ के यूज करना है। हाँ जी, तो केयरफुल रहेंगे, हर समय ध्यान रहेगा कि ये कुछ खराब नहीं हो जाए। हाँ जी, ओम शांति। और उसको अपने, जैसे बाबा रोज कहते हैं कि अपना बिहेवियर चेक करो, स्वीट हो, वो इस बात का ध्यान रखेगा और किसी भी बात से, उस किसी भी वस्तु से लगाव झुकाव नहीं होगा, उसको पता है कि ये मेरी नहीं है। हाँ जी, तो वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं आ जाएगा कि हम अपने पुराने हिसाब किताब, जैसे हम पुराना चलते हैं वैसे चले, हम एक अलर्टनेस बनी रहेगी कि हमको कहीं दूसरी जगह है तो हमको कैसे रहना है। तो इस तरह हम मेहमान के एक कॉन्शियसनेस में रह के बाबा कह रहे हैं कि मेहमान को क्या याद रहता है, असली घर याद रहता है।
या उसी में फंस जाते हो, ये भी बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप सबका ये शरीर रूपी घर भी है और ये फरिश्ता स्वरूप है, फिर देवता स्वरूप है। तो किसको याद करना है? हमको फरिश्ता और देवता स्वरूप को याद करना है। पुराने शरीर में ऐसे निवास करो जैसे बाबा पुराने शरीर में आधार लेते हैं, फंसते नहीं है। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपनी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो बाबा ने कहा मेहमान अर्थात क्या हो जाएंगे? महान बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे रहते हो क्या? तो ये चेकिंग है हमारी। और फिर त्याग का पहला कदम पूरा किया है, तो त्याग का पहला कदम क्या हुआ कि देह के भान से ही हम परे रहे। फिर बाबा ने आगे बताया कि बाबा हंसी की बात क्या करें, बाबा को भी हंसी आती है हमारे हमारी लीलाएं देखकर, कि अपने आप को कोई कम नहीं समझते हैं। कि अगर किसी को एक छोटा बन जाए एक बड़ा बन जाए तो कहते हैं कि क्यों क्यों क्या के शस्त्र लेकर उल्टा शक्ति रूप स्वरूप दिखाते हैं। तो शक्ति स्वरूप को वैसे दिखाते हैं कि शस्त्र है, लेकिन ये जो उल्टा कैसे हो जाता है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि ये भी अलंकार कोई कम नहीं होते हैं जो उल्टे शस्त्र के होते हैं। जैसे सर्वशक्तियों के अलंकार हैं, वैसे माया और रावण की भुजाएं भी कम नहीं है। तो शक्ति की भी भुजाधारी दिखाया है और रावण को क्या दिखाया है? सर। ये बाबा ने बहुत अच्छा राज यहाँ पे ओपन किया है कि रावण के सर क्यों दिखाते हैं और 10 सर क्यों दिखाते हैं। बाबा ने कहा कि रावण माया की शक्ति पहले दिमाग को हलचल करती है, इसके लिए उसको सर दिखाते हैं। जिस समय माया आती है तो सेकंड में ही उसके कितने रूप हो जाते हैं, क्या क्या रूप हो जाते हैं, क्यों क्या ऐसे वैसे जैसे, कितने क्वेश्चन के सिर पैदा होते हैं। एक काटते हैं तो दूसरा पैदा हो जाता है। तो एक ही समय में 10 बातें बुद्धि में फौरन आ जाती हैं। तो एक बात को 10 से लग गए ना, तो इन बातों का तो अनुभव है, सबको अनुभव होगा कि एक बार अगर हम उस सर्कल में आए कि क्या है क्या करना है, तो एक के बाद एक एक लड़ी लग जाती है। तो यही 10 शीश के शस्त्रधारी बन जाते हैं। और शक्ति क्या होता है? वो होता है शक्ति अर्थात सहयोगी। तो अभिमान के सिर वाली शक्ति नहीं, लेकिन सदा सर्व भुजाधारी अर्थात सर्व परिस्थिति में सहयोगी। तो इसमें बाबा ने इसमें एक 52 बात बताई कि क्यों कहते हैं सहयोगी और भुजाएं क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हमेशा ये बात होती है कि एक हमें अपनी सहयोग की उंगली लगानी है। तो यहाँ पे एक बात को सुलझाएंगी तो दूसरी बात शुरू कर देंगी। तो क्यों क्या का क्वेश्चन हल करेंगे तो फिर कैसे का सर ऊंचा हो जाता है। ये सब क्या होता है? इसमें जो रावण के 10 सिर वाली आत्माएं हैं वो हर छोटी सी परिस्थिति में भी कभी सहयोगी नहीं बनेंगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि ये क्यों वह क्यों इसको कहा जाता है कि एक बात के 10 शीश लगाने वाली शक्ति सहयोगी कभी नहीं बनेगी और सदा हर बात में अपोजिशन करेंगे। तो हम चेक करें कि जब कोई बात डिस्कस हो रही है या फिर कोई परिस्थिति आई है तो क्या हम उसमें सहयोग कर रहे हैं या हम अपोजिशन में खड़े हैं। तो अगर हम अपोजिशन में खड़े हैं तो हम रावण की शक्ति का यूज कर रहे हैं, और अगर हम सहयोग की तरफ हैं तो फिर हम अपनी शक्ति को शक्ति स्वरूप में हैं। चाहे ब्राह्मण बन गए लेकिन उस समय के लिए आसुरी शक्ति का प्रभाव होता है, वशीभूत होते हैं। तो ये हर समय ही, तो इसलिए बाबा जो सदा वर्ड यूज करते हैं तो कितना इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि हर समय हम वैसे बिहेव करते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, हम 24 घंटे में से हम भले 23 घंटे भी ब्राह्मण हैं, लेकिन अगर 1 घंटे के लिए भी 5 मिनट के लिए भी अगर आसुरी शक्ति का प्रभाव हो जाता है तो हम वशीभूत हो जाते हैं। तो शक्ति स्वरूप हर परिस्थिति में हर कार्य में सदा सहयोगी बन औरों को भी सहयोगी बनाएंगे। तो चाहे स्वयं को सहन भी करना पड़े, त्याग भी करना पड़े, लेकिन सदा सहयोगी होंगे। और सहयोग की निशानी भुजाएं हैं, इसलिए कभी भी कोई संगठित कार्य होता है तो उसको बोलते हैं कि अपनी अपनी उंगली दो, तो ये सहयोग देना हुआ। तो क्या हम सदा के सहयोग मूर्त बने हैं? ये हमारा चेकिंग का पॉइंट। फिर बाबा ने ब्रह्मा की प्रवेशता का पार्ट अलग है, लेकिन आप सबने भी तन तेरा कहा ना कि तन मेरा। तो बाबा ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे वो तो अलग पार्ट चला, लेकिन हम सबका भी वायदा क्या है कि जहाँ बताएंगे जहाँ चलाएंगे ये सब हमने वादा किया है। ऐसा नहीं कहा है कि थोड़ा हम आपकी श्रीमत पे चलेंगे और थोड़ा हम मनमत करेंगे। तो इसके लिए त्याग की परिभाषा बहुत हुई है कि हमारे संकल्प भी हम अपनी तरफ से ना चलाएं, हमने त्याग कर दिया, जो बाबा बताते हैं वैसे ही हमें करना है।
तो ये हुई बाबा ने कहा कि पहली सीढ़ी, और त्याग की तो बहुत सीढ़ियां हैं लेकिन ये पहली सीढ़ी है, तो त्याग मुश्किल तो नहीं लगता है? बाबा ने पूछा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो फिर अभी जैसे बात हुई कि अगर हम एग्जाम में कुछ छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सन्यासी बन रहे हैं, हम कुछ बड़े के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके लिए जो अनइम्पॉर्टेंट है, जो लेस इम्पॉर्टेंट है, उसको थोड़े समय के लिए विराम दे रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अगर पुराने के बदले नया मिल जाए तो मुश्किल है क्या? अभी अभी मिलता है, भविष्य मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी अभी पुराना भान छोड़ो, फरिश्ता स्वरूप लो। तो ये एक्सचेंज कितना है कि अगर हमने अभी अपना देह भान छोड़ दिया तो फरिश्ता स्वरूप हम अभी बन जाएंगे, वो फ्यूचर की बात नहीं है। तो जब पुरानी दुनिया के देह का भान छोड़ देते हैं तो क्या बन जाते हैं? डबल लाइट। और वो कब बनते हैं? हम फ्यूचर में सत्युग में नहीं बनेंगे, यही अभी संगम युग में बनते हैं। परंतु अगर ना यहाँ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही कि ना यहाँ के रहते हैं ना वहां के रहते हैं, मतलब ना तो हम पूरे ब्राह्मण बने ना पूरे अज्ञानी रह पाए, तो मुश्किल लगता है। तो मुश्किल लग रहा है इसका मतलब हम बीच में हैं, हमारे दोनों तरफ नाव के में हमने पैर रखा हुआ है, ना पूरा छोड़ते हैं ना पूरा लेते हैं, तो अधमरे हो जाते हैं, इसलिए बार बार लंबा श्वास उठाते हैं। कोई भी बात मुश्किल होती है तो लंबा श्वास उठता है ना, तो मरने में जो मजा है, तो पूरा मरो ना, लेने में कहते हो पूरा लेंगे लेकिन छोड़ने में मिट्टी के बर्तन भी नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि वैसे तो अगर कोई मिट्टी का बर्तन रखता भी है तो बाबा को कुछ नहीं जाता है, बाबा तो कहते हैं भल रखो, लेकिन परेशान कौन होते? बाबा हमारे पिता है तो वो हमें परेशान नहीं देख सकते, इसके लिए बाबा कहते हैं कि छोड़ो। अगर बार बार बुद्धि भटक रही है तो इसका मतलब हमने पुरानी चीजों को छोड़ा नहीं है, और अगर हमने पुरानी चीज नहीं छोड़ी तो हम फरिश्ता नहीं बन सकते हैं। तो बाबा और भी हजारों मिट्टी के बर्तन दे सकते हैं, लेकिन बाबा हमें तो कितने हीरे जवाहर महल देने के लिए आए हुए हैं, हमें विश्व के मालिक बनाने के लिए आए हैं, हम अपने मिट्टी के बर्तनों में ना अटके रह जाएं। तो जहां पर मिट्टी के बर्तन होते हैं, किचड़ा होता है, तो वहां पे बाबा ने कहा मच्छर होते हैं, और मच्छर जब काटते हैं तो बच्चों को ही दुख होता है। तो बाबा बच्चों के कल्याण के लिए ही कहते हैं कि पुराना छोड़ दो, अधमरे नहीं बनो, मरना है तो पूरा मरो, नहीं तो भले ही जिंदा रहो, मुश्किल है नहीं लेकिन मुश्किल बना देते हो। जब रावण के सिर लग जाते हैं तो मुश्किल होता है, और जब भुजाधारी शक्ति बन जाते हो तो सहज हो जाता है। सिर्फ एक कदम सहयोग देना और कदमों का सहयोग ले मिलना हो जाता है, लेकिन पहले जो एक कदम देना पड़ता है उसमें घबरा जाते हो, मिलना भूल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मिलना भूल जाता है और देना याद आ जाता है, इसलिए मुश्किल अनुभव होता है। तो हर समय अपने ये कॉन्शियसनेस में रहे कि हम बाबा को दे ही क्या सकते, बाबा हमें कितना ज्यादा दे रहे हैं, हम मिल कितना रहा है, उसके ऊपर अपना अगर फोकस रखेंगे तो हमें ये मुश्किल नहीं होगा। तो बाबा का यादगार ऐसे सदा सहयोग मूरत, सदा त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करने वाले, कदम कदम में फॉलो फादर करने वाले, सदा अपने को मेहमान अर्थात महान आत्मा समझने वाले, ऐसे बेहद के सन्यास करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी हम सब नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए पावरफुल योग अभ्यास करेंगे इसी थीम पर। तो आज का मुख्य थीम क्या रहा? देवान का भी त्याग। जी, तो आज सबसे पहले हम याद करेंगे, हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो बाबा का जीवन अपने सामने लेकर आएंगे, क्योंकि ब्रह्मा का त्याग सबसे ऊंचा त्याग गाया हुआ है। तो वो सारे चरित्र अपनी स्मृति में लेकर आते जाएंगे,
कि पिताश्री का त्याग सर्वश्रेष्ठ त्याग कैसे रहा। साथ साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करते जाएंगे कि आपको ब्रह्मा बाप के जीवन के त्याग की सबसे ज़्यादा कौन सी सी बात है जो इंस्पायर करती है। कोई भी शेयर करेंगे? शांति भैया जी, जैसे बाबा को एकदम से पता चला कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो उन्होंने इतना अभ्यास किया कि जब तक वो पूरा अभ्यास नहीं होगा वो रुके नहीं। सभी को आत्मा देखना, हर एक को भरकुटी में देखना, अपनी मिसेज को भी, बच्चों को भी, सबको। अब उन्होंने अपना पाठ पक्का किया और देवान का त्याग किया। ओम शांति। जैसे बाबा को शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा ने अपना एक धक में पूरा कारोबार छोड़ के चले गए। जी। ओम शांति। बाबा ने अपने सारे धन का त्याग किया, उसको अलौकिक में प्रयोग किया। इवन उन्होंने अपने संबंधियों, अपनी पत्नी युगल और अपने बच्चों को भी कभी यही समझा कि ये आत्माएं हैं। उन्होंने उनका शरीर देह के हिसाब से उनका त्याग कर दिया। और बाबा जो इतनी रॉयल्टी, तो खैर उनके साथ ही मतलब स्थूल रूप में जो इतनी रॉयल्टी में रहते थे, तो उन्होंने एक कुटिया में ही अपना रहना शुरू किया। उन्होंने उसका भी त्याग किया जो रहने का ठाट पाट था, क्योंकि उनको बाबा के घर में ही सबसे बड़ा ठाट पाट नजर आया। ओम शांति। जी। ओम शांति जी। जी बाबा के तीन बातें मुख्य बहुत अच्छी लगी थी कि बाबा इतने बड़े ब्रह्मा भगवान के रथ होने के बावजूद भी बाबा सदा बच्चों को आगे रखते थे, खुद करते सब कुछ लेकिन सदा बाबा ने पहले आप बच्चों को आगे रखा। दूसरी बात कि जब भी पांडवों में नए मकान बन रहे थे, नए रूम बच्चों के लिए, तो सभी बच्चे बाबा को कहते थे कि बाबा आपकी नए कमरे में आओ, लेकिन बाबा ने कभी तैयारी नहीं दिखाई कि मैं नए कमरे में रहूं। वो सदा कहते थे कि जब भगवान मेरे पुराने तन में आता है, पुरानी दुनिया में, तो मैं नए घर में जाकर क्या करूंगा। ये बात मुझे बहुत टच कर गई थी। और तीसरी बात, बाबा ने सदा हर शिक्षा बच्चों को करके दिखाया, कभी कहा नहीं, इसलिए उनका सदा यही स्लोगन था कि जैसा कर्म मैं करूंगा, मैं मुझे देख सब करेंगे। तो ये बाबा की बात बहुत अच्छी लगी थी। ओम शांति।
मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी महका रहे हैं जग के चमन ये बगिया तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा
करती है पावन नदियाँ तुम्हारी मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली तुम्हें याद करती ये बगिया तो अभी क्या करेंगे, अपनी डायरी में नोट करेंगे पांच बातों का त्याग जो हमें लगता है कि हमने किया है। पांच ऐसी बातें नोट करेंगे डायरी में लेफ्ट साइड में नोट करेंगे। और उसके राइट साइड में नोट करेंगे कि पहले त्याग का भाग्य क्या मिला, फिर दूसरे त्याग का भाग्य क्या मिला, और फिर तीसरे त्याग का भाग्य क्या मिला। तो ज्यादा स्मृति में क्या रहता है, त्याग या भाग्य, उस आधार पे हमारी स्थिति बनती है। तो इस बात की गहराई में समाते जाएंगे। ओम शांति। आज प्राण प्रिय व्यक्त मूर्त बाप दादा अपने सम्मुख त्याग मूर्ति बच्चों को, तपस्वी मूर्त बच्चों को देखकर दिव्य शिक्षाएं दे रहे हैं। आइए चलें बाबा के सम्मुख, ईश्वरीय शिक्षाओं का स्वरूप बनने, देह भान का त्याग कराने, स्वयं विदेही बाप आज हम बच्चों के सम्मुख उपस्थित हैं। ओम शांति। मैं संगम युगी तपस्वी मूर्त आत्मा विदेही आत्मा निराकार आत्मा अपने निराकार बाप के सम्मुख साकार माध्यम के द्वारा मिलन मना रही हूं। संगम युग की पावन वेला पर प्यारे बाबा मुझ आत्मा को अब अपने प्यारे घर वापस ले जाने आए हैं। इस पुरानी देह पुरानी दुनिया के
तन मन धन संबंध संपर्क सर्व पुरानी बातों से त्याग कराकर देह से विदेही बना रहे हैं। मैं आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप विदेही अवस्था को पुनः प्राप्त कर रही हूं। मैं ब्राह्मण बेहद की सन्यासी बेहद की त्यागी आत्मा बन बेहद के पाप के आकर्षण में आकर्षित हूं। विदेही बाप मुझ आत्मा को आकर्षित कर रहे हैं। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर पुराना सब कुछ विस्मृति कर नई दुनिया नए घर को स्पष्ट देख रही हूं। हद के सब मैं और मेरेपन को त्याग कर बेहद का बाप बेहद का घर मुझ आत्मा को स्पष्ट नजर आ रहा है। मैं अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हूं। साकार में निमित्त मात्र कर्म करने के लिए मेहमान बनकर आती हूं। और पुनः अपने निराकारी स्वरूप फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जा रही हूं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा माया व रावण की किसी भी स्वरूप से स्वयं को सेफ रखते हुए सब प्रकार के व्यर्थ संकल्पों व्यर्थ बातों से मुक्त रखते हुए स्वयं को बाप दादा के साथ और सर्व की सहयोगी अनुभव कर रही हूं। मैं कर्मेंद्रिय चीत आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा
सदा बाप दादा की शिक्षाओं पर चलते हुए। इस व्यक्त दुनिया व्यक्त शरीर में रहते हुए स्वयं को विदेही अनुभव कर रही हूं। मैं निराकारी आत्मा निराकार धाम की रहने वाली निराकार बाप की संतान हूं। कर्म क्षेत्र पर फरिश्ता रूप धारण कर कर्म कर रही हूं। सर्व प्रकार के बंधनों से स्वयं को मुक्त एक बाप और नई दुनिया की स्मृति में निरंतर स्वयं को मग्न अनुभव कर रही हूं। विदेही बाप का विदेही स्वरूप मुझे विदेही अनुभव करा रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो शिव बाबा ने जब हमें त्याग करने के लिए कहा तो हमने त्याग करना क्यों स्वीकार किया? कोई शेयर करना चाहेंगे? हमने स्वीकार क्यों किया? ओम शांति। क्योंकि त्याग करने से हमें बहुत सारी प्राप्तियां हुई। पुराना त्याग किया और नया मिला। क्रोध का त्याग किया, शांति मिली। अगर स्थूल धन को त्याग का मतलब ये है कि जब हमें एक संतुष्टता आ गई, एक लेवल हो गया हमारा, कि हमें वो जब हमारा सादा जीवन हो गया, सादा खाना पीना हो गया, तो वही 100 रुपीज जो हमारे लिए कम पड़ते थे वो ज्यादा पड़ने लगे। हमारा संतुष्टता का लेवल और भी बढ़ गया। इस तरह से कई प्रकार का त्याग करने से हमें अच्छा लगा त्याग करना। जी, और कौन शेयर करना चाहेंगे? हमने त्याग करना क्यों स्वीकार किया? त्याग तो हमने एक्चुअली कुछ किया ही नहीं है, हमने कुछ चेंज किया है। जो भी नेगेटिव था उसे पॉजिटिव की तरफ, जो भी बेकार था उसे अच्छी की तरफ हुआ है, रोज शिफ्ट हुआ है, हमने कुछ भी त्याग नहीं किया। जी, ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने हम मैं कहा त्याग करने के लिए, लेकिन त्याग भी बाबा ने उस चीज का कहा जो हमारे लिए काम की नहीं थी। तो हमने तुरंत स्वीकार किया, देह भान है, मोह है, जो भी हमारे काम की चीज नहीं थी बाबा ने उसी चीज का त्याग करने के लिए कहा। और उस त्याग से ही हमारा भाग्य बनता है। बाबा ने यह भी कहा है कि बिना त्याग के भाग्य नहीं बन सकता है। और ब्रह्मा बाबा की यही बात मुझे अच्छी लगी थी कि उन्होंने बाबा के प्रवेशता होते ही सब कुछ त्याग कर दिया, संबंध का सब, सन मन धन समाज सब कुछ। और बाबा का मेन था कि उन्होंने त्याग शब्द का भी त्याग किया था। कभी उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैंने ये त्याग किया। तो इसी वजह से उनको सर्वस्व त्यागी या महात्यागी कहते थे। तो उनका उनको सदा स्मृति थी कि मेरा भाग्य क्या है, इसलिए उन्होंने त्याग शब्द का भी त्याग किया था। ओम शांति। ओम शांति।
अहंकार का त्याग करने से मन की खुशी प्राप्त हुई, क्रोध का त्याग करने से शांति और धैर्यता की प्राप्ति हुई। ओम शांति। ओम शांति। हमने त्याग नहीं किया, हमने तो हमारा भाग्य बनाया, हमें तो प्रभु मिलन मनाने को मिल रहा है। इतना बड़ा भाग्य कि हमें भगवान मिल गया, हम देवता बन रहे हैं, त्याग नहीं किया, भाग्य बना रहे हैं। ओम शांति। ओम बाबा के बहुत सारे नए बच्चे भी होंगे तो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाबा के सामने संकल्प लेंगे, बहुत सारी बातों का त्याग किया है, कुछ बातें रह गई होंगी जिनका त्याग नहीं भी किया होगा, तो बाबा के सामने अभी संकल्प लेंगे कि जनवरी मास के लिए जितने भी दिन बचे हैं, करीब 17-18 डेज बाकी हैं जनवरी में, इस पूरे मास के लिए किसी एक ऐसी चीज़ का त्याग करने का संकल्प करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे जो अब तक नहीं किया है, और इसको अपनी डायरी में अभी आप नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद आप चैट बॉक्स में डन लिख सकते हैं ताकि आपके संकल्प बाबा के सामने रजिस्टर हो जाए। इस तरह के संकल्पों में बहुत शक्ति होती है, तो आप सभी चाहेंगे एक्सपेरिमेंट करना। किसी एक ऐसी बात का त्याग जो अभी तक नहीं किया है और हिम्मत भी नहीं है पूरा लाइफ टाइम करने के लिए, लेकिन जनवरी मास के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि उस त्याग का भाग्य कैसे अनुभव होता है, फिर उस एक्सपीरियंस के आधार पे वो लंबा समय तक भी जा सकता है। तो सभी अपने डायरी में भी नोट करते जाएंगे।
चुप करके खुद